सेंस ऑर्गनस हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स वी आर हैविंग वट इज़ द वर्क ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड हाउ वी कैन सी द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गनस हमने पाँच सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे सेंस ऑर्गन्स के काम क्या हैं उन पाँच सेंस ऑर्गन्स का क्या वर्क है और उन सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से हम कैसे पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं सुन सकते हैं ये सारी सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वी आर गोइंग टू रीड द पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर नाउ यू कैन सी दीज आर द फाइव सेंस ऑर्गन दीज आर द फाइव सेंस ऑर्गन्स यू कैन सी आइज नोज ईयर्स टंग एंड स्किन ओके दिस वी हैव रीड इन द फर्स्ट पार्ट ये मैंने आपके लिए इसलिए डाल दिया है ताकि आपको वापस से रिकैपुलेशन हो जाए आपको याद आ जाए कि आपके फाइव सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से आई नो दैट यू ऑल नो आप सबको पता है कि फाइव सेंस ऑर्गन्स कौन से फिर भी मैंने आपको याद कराने के लिए एक बार फिर से डाल दिया है ओके स्टूडेंट्स एंड नाउ वट इज़ द वर्क ऑफ आइज वर्क ऑफ आइज इज़ टू सी वर्क ऑफ नोज इज़ टू स्मेल वर्क ऑफ ईयर इज़ टू हीर वर्क ऑफ टंग इज़ टू टेस्ट एंड द वर्क ऑफ हैंड नॉट दिस इज़ नॉट हैंड दिस इज स्किन The work of skin is to feel. Okay. Now we will read about more about our sense organs. हम अब सेंस ऑर्गन्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे Now here you can see this is our eyes. अब eyes का क्या काम है Eyes क्या हमारे को कहीं में help करती है आप सबको पता है ना कि eyes का क्या काम है Eyes का काम है देखना हमको कोई चीज़ देखनी होती तो हम किसके हेल्प से देखते हैं वी आर सींग the हेल्प ऑफ our eyes. ओके okay? Now इन दिस वी आर गोइंग to रीड अबाउट हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ our eyes हम अपनी eyes की केयर कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ओके स्टूडेंट सो हन हाउ मेनी आईज़ वी आर हैविंग वी आर हैविंग टू आईज़ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द आईज़ आईज़ का वर्क क्या है वी कैन सी दर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ अवर आइस ओके हम कोई भी चीज़ को काहे देखते हैं हम अपने के हेल्प से देखते हैं अगर हमारे पास आइज नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ देख नहीं पाएंगे ओके नाउ सी वी सी डब्ल्यू ई वी एस डब्ल सी टी एच ई द डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड डब्ल्यू आई टी एच विथ आर आवर ई वाई ई एस आईज वी सी हम पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब जो दुनिया होती है ना दुनिया में कि कोई भी चीज़ आपको अगर देखनी है बर्ड्स देखने हैं एनिमल्स देखने हैं ट्रीज़ देखने हैं फ्रूट्स देखने हैं वेजिटेबल्स देखने हैं टेलीविजन वॉच करना है मोबाइल देखना है लाइव क्लासेस अटेंड करनी है वीडियोस देखने हैं कोई भी चीज़ हमें देखनी है वी यूज़ आवर आइज़ हमारी आइज़ बहुत हेल्पफुल है हमारे को हमारे सेंस ऑर्गन्स में क्योंकि हम बगैर आइज़ के कोई भी चीज़ें नहीं देख सकते ओके सो वी सी द वर्ल्ड विथ अवर आइज़ नाउ सी दैक्सट इज हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज़ हम अपने आइज़ की केयर कैसे करेंगी अभी हमारी हमको ऊपर वाले ने दो आइज़ दी हैं देखने के लिए पर उसकी केयर करना हमें ज़रूरी है ना अगर हम उसकी केयर भी करेंगे तो क्या होगा हमारे आइज़ में प्रॉब्लम हो जाएगा सी द फर्स्ट वन वी शुड नेवर रीड इन डिम लाइट हमें कभी भी कम रोशनी में कम लाइट में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए ओके okay, स्टूडेंट्स हमेशा हमें जहाँ पे लाइट ज़्यादा हो वहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि अगर हम कम लाइट में पढ़ते हैं तो हमारी आइज़ पे स्ट्रेस आता है हमारी आँखें दुखने लगती हैं फिर हमारी आइज वीक हो जाती हैं ओके सीधा नेक्स्ट वन वी शुड नेवर सिट टू क्लोज टू द टी वी स्क्रीन और हमें टी वी स्क्रीन के एकदम पास में नहीं बैठना चाहिए वाई बिकॉज़ आइज इट इफेक्ट्स आवर आइज़ वो हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करते हैं ओके okay? कैसे अभी हम टीवी के एकदम पास से बैठ के देखेंगे तो टी के अंदर जो हमारे को कलर्स दिखते हैं ना उसमें से रेज निकल के आते हैं तो वो हमारी आइज़ को इफेक्ट करते हैं इसीलिए हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि दूर से बैठ के टी देखो ना यू कैन सी इन दिस पिक्चर आप इस पिक्चर में देखो थ्री ऑफ द चाइल्ड दे आर वॉचिंग द टी वी उन लोग टी वी वॉच कर रहे हैं पर बिल्कुल पास से बैठ के देख रहे हैं है ना इज़ इट करेक्ट नो दिस इज़ नॉट करेक्ट हमें इतने पास से टी वी नहीं देखना है इससे हमारी आइज़ ख़राब हो जाती हैं ओके बेटा एंड वी हैव टू वीयर द स्पेक्स फिर हमें मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते हैं और फिर हमें बग़ैर चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो दिस इज़ रॉन्ग ये रॉन्ग है मैंने आपको दिखाया कि देखो बच्चे कैसे पास से टीवी देख रहे हैं हमें क्या करना है और दूर से बैठ के टीवी देखना है दिस इज अ रॉन्ग पिक्चर ओके स्टूडेंट्स सो व्हाट यू हैव टू डू वे यू वॉच द टी वी वॉच इट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस दूर बैठ के आपको टी वी वॉच करना है इतनी पास से टी वी नहीं देखना है नाउ सी दिस वन यू शुड नेवर रीड इन डिम लाइट आप देख रहे हो ये गर्ल क्या कर रही है डिम लाइट में पढ़ रही है उसके आसपास बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो हमें डिम लाइट में पढ़ाई नहीं करनी है आपको समझ में आ गया ना कि डिम लाइट क्या होती है ये पिक्चर्स मैंने क्यों डाले हैं आपके लिए कि आपको पता चलना चाहिए कि पास से टीवी देखने को क्या कैसे पास से टीवी देखा जाता है फिर आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम तो पास से टीवी नहीं देखते हैं नाउ सी द डिम लाइट ये लड़की क्या कर रही है शी इज स्टिंग इन द डिम लाइट अब इससे क्या होगा उसके आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा उसने जो पढ़ रही है उसको बहुत ध्यान से देख के पढ़ना पड़ेगा उसकी आईज पे स्ट्रेस पड़ेगा तो हमें क्या करना है वी शुड ऑलवेज सिट इन द ब्राइट लाइट एंड डू द रीडिंग रीडिंग राइटिंग वर्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू हैव टू सिट इन द ब्राइट लाइट हमेशा रोशनी में बैठ के हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए नाउ वी विल रीड अबाउट आवर ईयर्स अब हम ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे ईयर्स आपको पता है आपके कितने ईयर्स होते हैं वी आर हैविंग द टू ईयर्स अब ईयर्स का क्या काम होता है वट इज़ द वर्क ऑफ ईयर्स ईयर्स हेल्प अस टू हीर हमारे जो कान होते हैं ना वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं ओके स्टूडेंट सो दिस इज़ द सेकेंड सेंस ऑर्गन आईज हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो हमें कैसे हेल्प करती है उसकी हमें केयर कैसी करनी है वो हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन था ईयर हमारा सेकेंड सेंस ऑर्गन है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमें कैसे हेल्प करते हैं और उसकी हमें केयर कैसे करनी है वी हीयर डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट साउंडस एस ओ यू एन डी एस साउंड्स डब्ल्यू आई टी एच विथ आर आवर ई ए आर एस ईयरस नाउ वी हीयर डिफरेंट साउंड हम अलग अलग साउंड्स सुनते हैं काहे है से हमारे ईयर से हमारे कान से अलग अलग वॉइस कैसे होती है अभी आपको आ, आपके पास कान दो ही हैं पर आप उससे सारी आवाज़ें सुन सकते हैं ना आपकी टीचर पढ़ाती है आप वो भी सुनते हो आपकी मामा आपको आवाज़ देती है आप वो भी सुन लेते हो बाहर अगर कोई फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेलर आता है उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई देती है मोबाइल की रिंग बजती है वो भी आपको सुनाई देता है है ना आपके फ्रेंड्स आपको बाहर से खेलने के लिए बुलाते हैं वो भी आपको सुनाई देता है तो अलग अलग आवाज़ें हमारे को हमारे ईयर से सुनाई देती हैं नाव हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर ईयर्स हम अपने कान जो होते हैं ना उसकी केयर कैसे कर सकते हैं मतलब उसका ध्यान हम कैसे रख सकते हैं We should never listen to music at a high volume. हमें कभी भी जो म्यूज़िक होता है ना गाना होता है उसे हमें तेज़ आवाज़ में नहीं सुनना है क्यों नहीं सुनना है क्योंकि वो हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल है उससे हमारे जो कान के अंदर जो हमारे जो पर्दे होते हैं ना हमारे कान के अंदर जो सुनने के लिए जो कैपेसिटी होती है कान में वो ख़त्म हो सकती है फिर हम क्या हो जाएंगे हम बहरे हो जाएंगे हमको कुछ भी सुनाई नहीं देगा तो हमें क्या करना है हमेशा म्यूज़िक को लो वॉइस में सुनना है धीमी आवाज़ में सुनना है सेकेंड वन इज वी शुड नेवर पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनसाइड अवर ईयर्स और हमें कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने कान में नहीं डालना है क्यों नहीं डालना है अगर हम कान में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट डालेंगे हमारे कान में चोट लग सकती है एंड अवर ईयर इज़ वेरी सॉफ्ट हमारा जो कान होता है ना वो बहुत सॉफ्ट है उसमें हम कोई भी हल्की सी भी कोई भी चीज़ हम डाल देंगे तो उससे हमारा कान क्या होगा हर्ट हो जाएगा हमें चोट लग सकती है नाउ स्टूडेंट आई विल शो यू द पिक्चर कैसे बच्चे देखो हाई वॉल्यूम में गाना सुन रहे हैं दे आर इंजॉइंग द म्यूजिक देखो आप आप देख रहे हो फर्स्ट पिक्चर में सेकेंड पिक्चर थर्ड फोर्थ उन लोगों में बहुत हाई वॉल्यूम में वो गाना सुन रहे हैं उसकी वजह से उनको क्या हो रहा है उनको आवाज़ बहुत तेज लग रही है एंड दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड उनको अच्छा इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द फर्स्ट बॉय वो जो गाना सुन रहा है उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है बट ही इज़ इन्जॉइंग पर अभी कैसा होता है आप लोग कैसा सोचते हो अरे बज रहा है ज़ोर से तो बजने दो कोई बात नहीं कान में थोड़ा बहुत लगेगा ना चलेगा नो नॉट लाइक दिस यू हैव टू एवरी टाइम यू हैव टू लिसन द म्यूजिक और एनी थिंग आप कोई भी चीज़ का सुनते हो तो उसको क्या करना है आपको लो साउंड में सुनना है धीमी आवाज़ में सुनना है ओके okay, बेटा इट इज़ गुड फॉर योर ईयर्स लिसनिंग द म्यूजिक और एनी थिंग इन अ लो साउंड इज गुड फॉर योर ईयर्स नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर वॉट इज़ अ गर्ल डूइंग गर्ल क्या कर रही है अपने कान में पेंसिल डाल रही है ओके नाउ शी इज़ पुटिंग अ हार्ड थिंग इन हर ईयर वो अपने कान में हार्ड चीज़ को कान में डाल रही है इट विल बी गोइंग टू हर्ट हर हीयर इससे उसका कान में चोट लग सकती है सो यू शुड नॉट डू दिस आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना ऑनलाइन क्लास में बैठे रहते हो तो पेंसिल हाथ में लेते हो तो कहीं मुँह में डाल रहे हो आप कहीं कान में डालते रहते हो सो दिस इज नॉट गुड ओके सो वॉट यू हैव टू डू वी शुड नॉट पुट एनी थिंग इन अवर ईयर्स और कभी आपको कान में ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है आपके घर में आपके पेरेंट्स को बताना है तो वो बर्ड्स होते हैं ईयरबर्ड्स आते हैं ईयर बर्ड्स के हेल्प से वो आपके ईयर्स को क्लीन कर देंगे बट यू आर नॉट सपोज टू पुट एनी हार्ड थिंग इन योर ईयर्स ओके बेटा स्टूडेंट्स डिड यू अंडरस्टैंड सो अपटिल हीयर वी हैव रीड अबाउट द टू सेंस ऑर्गन टू सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा और उसकी केयर कैसे करते वो हमने पढ़ा.

stay at home watch the videos complete your cw allah hafiz thank you.